नमस्कार। जन सरोकार मंच द्वारा लगातार प्रसारित की जा रही साक्षात्कार श्रृंखलाओं में आज एक विशेष साक्षात्कार हमारे सभी दर्शकों और दर्शकों के लिए और उन सभी के लिए ये जानकारी प्रदत्त बनेगा जो ठीक से आयुर्वेद के विज्ञान को, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को ठीक से नहीं पहचानते हैं। इन्हीं बातों को सहज रूप से आप तक सामने लाने में हमारे सहयोगी बने हैं डॉक्टर साहब प्रबोध जोनवाल। आप डॉक्टर साहब हैं इसी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में और जिले में एक नामचीन व्यक्ति है। वो नामचीन इसलिए भी है कि पद्धति तो अपनी जगह है और चिकित्सा भी सभी डॉक्टर करते हैं, लेकिन कुछ चिकित्साओं में आपका विशेष नाम है। मरीज आता है तो एक विश्वास लेके आता है और जाता है जब विश्वास लेके ही जाता है, क्योंकि वो फिर आगे का जीवन स्वस्थ होके जी लेता है। तो आज आपके सामने हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर प्रमोद जोनवाल, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी सतना। आज सबसे पहले मैं जन सरोकार मंच को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस संगोष्ठी में आमंत्रित किया। मैं बताना चाहूंगा आज आयुर्वेद के बारे में कुछ चीजें, जो आयुर्वेद क्या है। पहले डॉक्टर साहब ये बताइए, आयुर्वेद विज्ञान की प्रारंभिक शुरुआत जिसे शायद है धन्वंतरी ऋषि से जोड़ते हैं, बिल्कुल, तो वो कंसेप्ट क्या है? बिल्कुल सर, समुद्र मंथन के दौरान जी देवता और दानवों में जब समुद्र मंथन चल रहा था जी, तो उस दौरान धन्वंतरी भगवान 14वें अवतार के रूप में मंथन से 14 रत्न निकले, उसमें से एक 14वें अवतार के रूप में धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए रत्न के रूप में। हाँ, रत्न के रूप में, ठीक है। तो धन्वंतरी भगवान अपने एक हाथ में आयुर्वेद, एक में शंख, एक में औषध और एक में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए कि जनता को आरोग्य लाभ दिया जाए। अच्छा। इसी के लिए अभी ये जो वर्तमान में जो चल रहा है धन्वंतरी सप्ताह भी चल रहा है और आने वाले दिनों में धन्वंतरी जयंती भी है। हाँ हाँ। और जो हमारी केंद्र सरकार है जी, उसका आयुष मंत्रालय अभी हर घर आयुर्वेदा के थीम को लेकर इस बार आयुर्वेद दिवस को मना रहा है जी। ये बात नहीं, देखिए बात यह है कि ये जानकारी एक तो नई हमारे पास नहीं थी, बिल्कुल, कि इसमें धन्वंतरी जी का कोई अवतार के रूप में माना गया है या वो अपने साथ किस बुद्रा में वो प्रकट हुए या मूल रूप से उनके पास जो भी आम जनहित में जो चीज लेके आए वो इस धरा पर, वो क्या औषधि है? औषधि सर, औषधि अमृत कलश के रूप में, जो अमृत कलश, तो मतलब अमृत कलश जिसे कहा जाता है वो औषधि का ही प्रतीक। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी सर, ठीक है। अब आप बताइए कि विज्ञान में मूल रूप से क्या होता है आयुर्वेद? एक जैसा कि मानते कि आयुर्वेद एक चिकित्सा विज्ञान ही नहीं है जी, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। ठीक है। हम आयुर्वेद जो है उसका जो मुख्य उद्देश्य की तरफ अगर हम ध्यान दें जी, तो आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य वह है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, ठीक है, आतुरस्य विकार प्रशमन च, मतलब सबसे पहले है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हम कैसे करें, उसकी रक्षा करें जी। दूसरा है अगर बीमार हो जाए तो हम उस बीमार के रोगों का निर्धारण करें, उस रोगों को दूर करें, ठीक है। तो इसमें जो आयुर्वेद में जो बताया गया है जी, सबसे पहले स्वास्थ्य की रक्षा के बारे में कि हम स्वस्थ ही बने रहे, बीमारी नहीं पड़े, ठीक है, ठीक। तो उसके लिए आयुर्वेद में दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, आहार विहार, योग जी, प्राणायाम जो इसका पार्ट है, योग प्राणायाम और रसायन सेवन का उपयोग उसमें बताया गया है। अच्छा, दूसरा जी, अगर व्यक्ति रोगी हो जाता है जी, जी, तो रोगी व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए आयुर्वेद में चिकित्सा बताई गई, जिसमें एक तो समन चिकित्सा और एक शोधन चिकित्सा। नहीं, पहले वो ऋतु क्या आया था, ऋतुचर्या? ऋतुचर्या वो क्या है? ऋतुचर्या मतलब हम जो हमारे ऋतु है उसके अनुसार। अच्छा। जो 6 ऋतु है तो उस ऋतु के अनुसार इसमें अलग अलग ऋतु में किस तरह हमें रहना है, क्या खाना है, क्या किस तरह हमें व्यवहार करना है, उसके बारे में उस ऋतुचर्या में हमें बताया गया। अच्छा, मेडिसिन तो वही रहती है। हाँ, मेडिसिन वही रहती है, लेकिन उनका टाइमली कौन सी मेडिसिन का कौन सी ऋतु में प्रयोग होना है
ये भी एक उसका एस्पेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एस्पेक्ट वो भी है, उन्हें किस तरह का आहार लेना चाहिए, किस तरह का विहार करना चाहिए जी, ऋतु के हिसाब से। अलग अलग ऋतु में दोषों का अलग अलग प्रकोप रहता है, तो उस ऋतु उस दोष के प्रकोप के समन के हिसाब से उसके अलग। जैसे अब सर्दी की ऋतु आने वाली है तो इसमें खास तौर से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सर्दी के ऋतु में हमें जो हमारी अग्नि है, अग्नि हमारी जठराग्नि प्रबल हो जाती है, तो हमें इसमें जो भी गुरु आहार विहार उसका सेवन करना चाहिए। जैसे हम जो भी खाते हैं वो इसमें पच जाता है, जबकि गर्मी की ऋतु होती है उसमें हमारी अग्नि मंदाग्नि रहती है। ठीक है, उस दौरान आग्नेय काल रहता है तो आग्नेय काल में हमारी अग्नि मंद रहती है, अब विसर्ग काल आ गया तो विसर्ग काल में हमारी अग्नि मजबूत हो जाती है। तो इसमें हम जो भी है ऐसी सभी चीजें जो भी है अपन स्निग्ध है स्निग्ध आहार विहार का सेवन करते तो वो उसका स्निग्ध और उष्ण आहार विहारों का हमें सेवन करना चाहिए। मतलब वो किसी और तरह के इफेक्ट नहीं देते हैं, बॉडी उसको ऑब्जर्व कर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल बॉडी के हिसाब से। अब बताइए आगे क्रिया क्या है। तो आयुर्वेद में जो चिकित्सा की अपन बात कर रहे थे, दो तरह की चिकित्सा बताई है, एक तो समन चिकित्सा, दूसरी शोधन चिकित्सा। समन चिकित्सा है उसमें औषध के द्वारा हम चिकित्सा करते हैं उसको समन चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में अगर हम दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन कर रहे हैं उसके बावजूद अगर कहीं हमारे कहीं कमी रह जाती है जी, उसके बाद में हम रोग से ग्रसित हो जाते हैं जी, दोष अल्प मात्रा में कुपित हुए होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग दवाओं का सेवन करते हैं जी और उस रोग को दूर किया जा सकता है। तो ये तो है समन चिकित्सा। अच्छा, दूसरी जो चिकित्सा है वो शोधन चिकित्सा। अच्छा, शोधन चिकित्सा में आयुर्वेद में मुख्यतः है पंचकर्मा को शोधन चिकित्सा में कंसीडर किया गया। अच्छा 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 जी सर, ठीक है ठीक। तो पंचकर्मा में मूलतः पांच कर्मों का एक समूह को सम्मिलित किया गया है जी। पंचकर्म जिसमें पंचकर्म के पूर्व कर्म के रूप में अपन करते हैं, एक तो स्नेहन स्वेदन, उसके बाद में आता है वमन विरेचन बस्ती नस्य और रक्त मोक्ष। ये पांच कर्मों को मूल रूप से पंचकर्म कहा। तो ये चिकित्सक डिसाइड करता है कि ये कौन से स्टेज पे मरीज को पंचकर्म उपचार करना है। ये चिकित्सक डिसाइड करता है कि रोगी के किस दोष की वृद्धि हुई हुई है। मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा कि किस दोष के लिए कौन सा कर्म करते हैं। ठीक है ठीक। तो ये पंचकर्मा का एक बार तो पहले अपन पूर्व कर्म, फिर प्रमुख कर्म और फिर पश्चात कर्म के रूप में संसर्जन कर्म होता है। उसमें अपन मंड पेय आहार का जो अलग अलग रूप है उसकी अग्नि वर्धन के लिए अलग अलग तरीके से मंड पेय विलेपीय वगैरह का उसका सेवन करा के उसकी अग्नि वर्धन करते हैं। तो पंचकर्मा में जैसे पहले अपन स्नेहन स्वेदन, जैसे पूर्व कर्म के रूप में स्नेहन स्वेदन करते हैं जी। किसी भी कर्म को करने से पहले स्नेहन स्वेदन से क्या होता है कि हमारे जो दोष है, आयुर्वेद जो सिद्धांत है आयुर्वेद है वो मूल रूप से जो हम त्रिदोष सिद्धांत, त्रिदोष पे वात पित्त और कफ तीन दोष मुख्य रूप से माने गए हैं। वात को थोड़ा सा खोल दीजिए, लोग कंफ्यूज रहते हैं। वात को ये जो हमारे चारों तरफ घूम रही है वो वात नहीं है। हाँ, वो कंफ्यूज है। वात जहाँ भी खुला है शरीर में, जहाँ भी आकाश अभी उसकी वजह से जो बना हुआ है, जो होलो एरिया है, वो सब वात में उसमें जो प्रवाह करता है, जो एक गति देता है शरीर में संचार का करता है, वो सब वात के कारण होता है। अच्छा ठीक है। पित्त एक अग्नि का रूप होता है, शरीर में जहां भी पाचन हो रहा है सब कुछ हो रहा है तो उसका काम करता है वो पित्त करता है। अच्छा, कफ स्नेहांश वगैरह जो भी स्नेहांश है वो कफ का एक रूप। ये पित्त जो है लीवर से कंसेंट्रेट है? नहीं, ये लीवर नहीं, वो बाइल। अच्छा, अलग होता है। अच्छा, वो अलग है, वो अलग होता है। ये पित्त अलग है, वात के पित्त के कफ के पांच पांच भेद अलग अलग स्थानों के हिसाब से भी इनके बताए गए हैं जी जी। तो उस हिसाब से अलग अलग आश्रय पे रहकर अपने काम करते हैं। जब ये साम्य अवस्था में रहते हैं तो आयुर्वेद मानते हैं सम दोष सम अग्नि से सम धातु मलय क्रिया प्रश्न आत्मेंद्र मने स्वस्थ इत्यभि धीयते। ये स्वस्थ की परिभाषा आयुर्वेद ने बताई। ठीक है, मतलब जब दोष सम हो, सम दोष है सम अग्नि से, अग्नि है जो हमारी पांच का अग्नि है धातु अग्नि है वो सब साम्य अवस्था में हो। ठीक है, मल जो मल है हमारे उनकी क्रिया समान हो और सम दोष से सम अग्नि से सम धातु मलय क्रिया प्रश्न आत्मेंद्रिय मन है। आत्मा इंद्रिय और मन जब प्रश्न होता है तो व्यक्ति को स्वस्थ माना जाता है। जैसे कि अपन मानते हैं कि भाई फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ, देन आयुर्वेद में उसमें सोशल हेल्थ और कंसीडर की गई है।
कि जब सामाजिक स्वास्थ्य भी उसमें उसका अच्छा हो, सामाजिक मतलब मनोवैज्ञानिक पक्ष भी उसमें जुड़ा हुआ, उसमें मनोवैज्ञानिक पक्ष भी उसमें जुड़ा हुआ है। इन चीजों को मिलाकर पूरा क्या बोलते हैं आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति की जो एक परिभाषा में किया गया है। तो वो पंचकर्म के बता रहे थे आप, पंचकर्म सर जो पहले अपन बता रहे थे स्नेह स्वेदन पूर्व कर्म के बारे में अपन बता रहे थे जी। जब दोष अल्प मात्रा में कुपित होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर जो है कोष्ठ और शाखा दो रूप में हमारे शरीर को विभाजित किया गया है। कोष्ठ जहां भी उसका मूल स्थान होता है वहां तक दोषों को पहुंचाने के लिए शरीर के जहां भी कोई कुपित होता है, बीमार क्यों होता है व्यक्ति, उसके लिए आयुर्वेद में एक दो लाइन का है, कुपिता ही दोषाणाम शरीर परिधावते यत्र खय भय गुणियम तत्र व्याधिनो तत्र उपजायते। मतलब दोष हमारे शरीर में घूमते हुए जहां भी हमारा जो स्रोतस में जहां दुष्टि होती है वहां रुककर वहां व्याधि का उत्पन्न करते थे। अच्छा अच्छा, वहां रोग को उत्पन्न कर देते हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो स्नेहन अपन करते हैं, स्नेहन का मतलब होता है अभ्यंग, किसी भी तेल की मेडिकेटेड तेल की मालिश करते हैं अलग अलग तरीके। अच्छा अच्छा, तो उससे क्या होता है कि वो दोष ढीला पड़ जाता है वहां से। अच्छा, सामान्य भाषा में अपन सोचे तो वो दोष वहां से ढीला हो जाता है। उसके बाद में स्नेहन के बाद में स्वेदन करते हैं, स्वेदन मतलब उसको ये किसी चेम्बर में लेकर या तो एक लोकलाइज कहीं कर दोष हो तो उसका अपन स्वेदन करते हैं, या फिर पूरी बॉडी का सर्वांग स्वेदन करते हैं, पसीना जिसको अपन लाना बोलते हैं, तो उससे मल जो वो होते हैं क्या बोलते हैं दोष वो ढीले हो जाते हैं। ये स्टीम बाद की स्टीम है, बिल्कुल बिल्कुल स्टीम बाद जैसे करते हैं वैसे ही सर जी, जी, तो उस तरह दोषों का पूर्व कर्म के रूप में करते हैं। उसके बाद में हम जो प्रमुख कर्म है पंचकर्म पे वो आते हैं वो करते हैं। तो इसका एक प्रोसीजर होता है, पहले अपन स्नेहन करते हैं, फिर स्वेदन करते हैं, स्वेदन के बाद में फिर उसके जो अपन क्या बोलते हैं पथ्य सेवन कराते हैं धीरे धीरे, उसके बाद में वमन कराते हैं। जाना मुझे एलोपैथिक में या दूसरी ऐसी पद्धति में उसमें लेबोरेटरी का बड़ा हाथ है। जी जी, मल है, मूत्र है, कफ है या रक्त है, इन सब की जांच लेबोरेटरी में होती है और उसकी रिपोर्ट पे आधार को बेस मान के डॉक्टर अपनी चिकित्सा निर्धारित करते हैं। अपने आयुर्वेद में क्या लेबोरेटरी साथ चलती है या जो नाड़ी तंत्र विज्ञान है डॉक्टर उसी के आधार पे पेशेंट्स को डील करते हैं देखते हैं, या कोई थोड़ा सा फर्क है? वर्तमान में हम देखें तो आयुर्वेद के जो सिद्धांत है, अगर हम आयुर्वेद की चिकित्सा करना चाहते हैं तो उनके जो रोगों का एक निर्धारण है वो और आयुर्वेद में रोगों का निर्धारण दोनों का आधार अलग अलग है। कई सारी जगह हम देखते हैं अच्छा। लक्षणों में भी अंतर है जी। तो उस वजह से एंटेरिक प्योर वो जो टाइफाइड मानते हैं उसको आंतरिक ज्वर मानते हैं उसका वो टाइफाइड का विड्रॉल टेस्ट वगैरह कराते हैं, जबकि आयुर्वेद में उसके लक्षण कुछ अलग अलग तरीके के लक्षण बताए गए हैं। तो हम उन लक्षणों के आधार पर वात बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, तो वात पित्त कफ की मात्रा के आधार पर व्यक्ति की प्रकृति परीक्षण करके व्यक्ति के काल देश और जगह के आधार पर निर्धारण करके उसका औषधि का निर्धारण करते हैं। अच्छा। आयुर्वेद में जो हम रोगी का इलाज करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ व्यक्ति से व्यक्ति, आपका और मेरा बीमारी एक है लेकिन उसका इलाज डिफरेंट हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज है जी जी जी। ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको जो आप भी आए आप भी मेरे पास टाइफाइड के पेशेंट आए तो आपका भी सेम ट्रीटमेंट हो गया, तो दूसरा कोई व्यक्ति आए तो उसका भी सेम, ऐसा नहीं है। उसके लिए व्यक्ति मैन टू मैन वेरी कर है, उसकी प्रकृति पर, देश काल बल, उसका बल कैसा है, अवर है, सत्व है, मध्यम है, कैसा बल है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है औषधि की मात्रा का निर्धारण वगैरह। तो आयुर्वेद एक बहुत विस्तृत विज्ञान है। सही कह रहे हैं आप, ये चीजें सर। नहीं यहाँ तो ठीक है, कुछ कंफ्यूजन है जांच के लिए आपने बताया तो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जांचों का कई जगह जहाँ जरूरत होती है, जैसे आज किडनी स्टोन है तो हमें उसका देखना भाई स्टोन है कि नहीं, तो वहाँ सोनोग्राफी का यूज हम भी उसको देखकर करते हैं, यहाँ रियल में स्टोन है तो उसका बाद में डायग्नोस अपने हिसाब से निर्धारित करके औषधियों का अपने हिसाब से आयुर्वेद की औषधियां उसके लिए प्रेस्क्राइब करते हैं, जहाँ जांच है उसका सहारा लेते हैं। मतलब जो आपके जैसे आपकी सोनोग्राफी है ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट बिल्कुल इनको तो आप बिल्कुल ऑनर कर लेते हैं, बिल्कुल क्या कि थोड़ी सी सुविधा हो जाती है बिल्कुल चिकित्सा के साथ। बाकी है क्या, जैसे अब रक्त में कोई दोष आ गया जी जी, तो डॉक्टर्स तो है क्या कि डॉक्टर्स मेडिकल साइंस में एलोपैथी के लिए कहा जाता है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, बिल्कुल आपको जुकाम हुआ बिल्कुल तो वो जुकाम के लिए कहेंगे कि ये सिम्टम टू बी ए डिजीज, बिल्कुल वो नॉर्मल ये सुना है बिल्कुल आपके यहाँ तो ऐसा नहीं है।
हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ जो दोष दुष्ट दृष्टि होती है उसका मूल कोज को दूर करके हम बीमारी को दूर करते हैं। हाँ, मूल बात ही है, मूल बात ही है, वो तो रोक देते हैं, वो रोक देते हैं, आप स्टेबल कर देते हैं। हाँ, किसी भी बीमारी वहाँ एक स्टेबल होगी, स्टेबल होने के बाद वो चलता रहता है। कई बार हम लेते हैं एक बीमारी का इलाज करते हैं, उसके साथ दूसरी बीमारी हमको मिल जाती है। जी जी जी, नहीं अक्सर देखा गया कि जो एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं हम, तो उससे आराम तो बहुत जल्दी मिलता है, थोड़ा सा आदमी मतलब महसूस करता है आदमी कि वो ठीक हो गया, लेकिन उसके साइड इफेक्ट की चर्चाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं कि भाई उन मेडिसिन का साइड इफेक्ट तो होता ही है। जी, तो क्या अपने आयुर्वेद में भी ऐसी स्थितियां आती हैं या आदमी किसी साइड इफेक्ट से ना ग्रसित हो? बिल्कुल बिल्कुल, आयुर्वेद में जो एक हम जो बात कर रहे हैं कि भाई एक विशुद्ध चिकित्सा के बारे में कह रहे हैं। जी जी जी, तो विशुद्ध चिकित्सा वो चिकित्सा मानी जा गई है कि जिसमें जिस रोग का हम इलाज करें वो ठीक हो, लेकिन कोई दूसरे उपद्रव पैदा नहीं करे। हाँ, तो आयुर्वेद में उसके लिए हम रोगों के दोषों की जो धारणा है जी, उसके आधार पर उसका डिसाइड कर और उस रोग की चिकित्सा करते, तो बहुत अल्प मात्रा में अगर या तो कोई औषध में इम्प्योरिटी हो या औषध की मात्रा कम ज्यादा हो गई, तो ऐसी कंडीशन में कोई उपद्रव हो सकते हैं। वैसे जो ज्यादातर औषधियां है, काष्ठ औषधियां और रस औषधियां वगैरह यूज करते हैं, ज्यादातर औषधियां तो हम आप और मैं आम घर में डेली यूज करते हैं। सही है, सही है। तो वो जो हमारे आहार में काम ले रहे हैं, हमारे जो मसाले हैं, ये सब चीजें हमारी औषधियां, तो उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं, हम वर्षों से खाते आ रहे हैं। पुरातन 5000 वर्षों से आयुर्वेद हमारा भारत का मूल चिकित्सा पद्धति रही है, विश्व को आयुर्वेद भारत ने दिया है। और अन्य पैथी आने के पहले सारे इलाज रोगों के इलाज आयुर्वेद से, लेकिन ऐसा जी साइड इफेक्ट इसलिए ज्यादा साइड इफेक्ट आयुर्वेद के नहीं है। नहीं जी सर, मुझे लगता है ये जानकारी भी आनी चाहिए सामने, कहने को लोग ये कहते हैं जी साहब वो पुड़िया दे देते हैं और वो बहुत ज्यादा पाबंदियां बताते हैं आहार विहार की, उस टाइम लग जाता है ज्यादा, और एलोपैथी में जाएगी तुरंत आराम आ जाता है, इस तरह के भी बिल्कुल सोच है लोगों की, तो अपने यहाँ क्या स्थिति बनती है? सर मैं सबसे पहली बात बताऊँ कि आयुर्वेद के प्रति जो आम धर्म आम जन्मिक जो आप बता रहे हो धारणाएं हैं, तो उसमें जैसे पहली धारणा है आदमी लेके घूमता है यार आयुर्वेद में बहुत नहीं स्थाई इलाज है, वो ये चीज में जानता है, पर उसके साथ ही वो दूसरा जोड़ता है कि यार समय बहुत ज्यादा लगता है, ज्यादा। तीसरा कहता है कि वो परहेज बहुत करने पड़ते हैं। जी जी। चौथी बात वो ये भी जानता है कि आयुर्वेद में जो इलाज है वो स्थाई इलाज ठीक है, लेकिन जो हम पहली बात करें कि आयुर्वेद में इलाज होता है, सही बात है, आयुर्वेद में बहुत स्थाई सभी चीजों का स्थाई इलाज है। उसके साथ साथ जैसे हम कहते हैं कि लंबा टाइम बहुत ज्यादा लगता है जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे बीमारी के हिसाब से डिजीज टू डिजीज उस चीज को वेरी करता है। अच्छा। जैसे जनरल डिजीज है, सीजनल डिजीज है जिसकी हम बात करें है। अभी है प्रतिशय है जिसको अपन बोलते हैं कॉमन कोल्ड वगैरह, कॉमन कोल्ड है तो है। वहां भी 5-7 दिन लगते हैं, हम भी अगर सामान्यतः आयुर्वेद में भी वो 5-7 दिन में वो ठीक हो जाता है। जबकि जो एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, तो ऐसे रोगों में वहां जिस दिन अन्य पैथी में जिस दिन डायग्नोस हो जाता है उससे लेकर जब तक वो पेशेंट मर नहीं जाता तब तक उसकी दवाइयां वो कंटिन्यू चलती रहती है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में अगर समय रहते अगर व्यक्ति आ जाता है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है वो आ गया, तो उसके क्या कारण है, उसके निदान क्या है, तो उसको हम डायग्नोस करके भाई ये कारण है, तो उसके कारणों को दूर करते हैं, फिर मेडिसिन चालू करते हैं, तो वो उसका रोग का समूल रूप से वो नष्ट हो सकता है। जैसे हाइपरटेंशन की जिक्र किया आपने, तो क्या उसमें रोगी का मनोदशा पर भी आयुर्वेद में विचार होता है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आयुर्वेद में हम जो मानते हैं वो मानते हैं, ऐसा कोई रोग नहीं है जिसमें कि जितने भी लोग होते हैं वो फिजिकल और मेंटल इन्वॉल्वमेंट हर रोग में होता है। जी जी। तो और हम तो जो चिकित्सा करते हैं उसमें कंसीडर, जैसे हम व्यक्ति से मैं भी चिकित्सा करता हूँ तो उसमें उसकी मनोदशा को कंसीडर करके जब हम इलाज करते हैं तो उसके बहुत ही बेहतरीन परिणाम हमारे सामने आते हैं। नेचुरल, क्योंकि व्यक्ति आज से जो परिवेश है उसमें बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, मेंटली बिजी बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन इन चीजों में बहुत ज्यादा रहता है, तो इसलिए उसका मानसिक स्थिति का मनोदशा का अच्छी तरह जानकर हम इलाज करें तो बेहतर हम पड़े ज्यादा अच्छे। बिल्कुल सर, अब जैसे बच्चों में बात आती है अक्सर कुपोषण की, जी जी बिल्कुल, की या ऐसी स्थितियां जहां आदमी ठीक से ना रह पा रहा है, ना उसको भोजन मिल रहा है,
उसकी स्थितियां आसपास की दशाएं ठीक नहीं है, वातावरण ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन में रह रहा है, तो मूल रूप से कुछ ना कुछ बीमारियों से ग्रसित होगा। तो जब आप इलाज के लिए आपके पास आता है तो क्या आप उन दशाओं पर भी ध्यान रखते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ मैंने पहले कहा देश काल व्यक्ति की प्रकृति उसका शरीर का बल, जैसे बच्चे हैं तो बच्चे के हिसाब से उसकी माता अगर दवा की डोज का निर्धारण करता है, उसका काल कैसा है, उसके सत्व कैसा है, सत्व का मतलब वो ले पाएगा नहीं ले पाएगा, किस रूप में ले पाएगा, तो हम उसके आधार पर उसका औसत का निर्धारण करते हैं कि नहीं बच्चा है तो चूर्ण नहीं ले पाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, उसको सिरप रूप में बनाकर उसको पल उबाल के काढ़ा है इसको देना है या घोल के देना है, इसको शहद के साथ देना ये है। बच्चों में स्वास्थ्य के लिए कुपोषण और बच्चों में जो कई सारी चीजें रहती है उसमें आज आयुर्वेद में जो एक स्वर्ण प्राशन चलता है, स्वर्ण होता है बच्चा वगैरह बच्चा और एक दो मेडिसिन और होती है तो उनको मिक्स करके बच्चों को अगर रेगुलर बनाते हैं बच्चों के पोषण के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है स्वर्ण प्राशन योग आता है। ये अभी हमारे पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने एक महामारी को भोगा है। जी जी, अनायास ये बीमारी सामने आई थी और बड़ा पूरी दुनिया में बवाल मचा, लेकिन मैंने देखा डॉक्टर साहब की मेडिकल साइंस अपनी ये जो आयुर्वेद जो एलोपैथिक है ठीक है, इसके लिए होम शेल्टर्स बनाए गए, ये बनाया गया, वो बनाया गया और मेडिसिन दी गई, वो सारा बड़ा मामला बड़े पैमाने पर था, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो गली मोहल्ले स्कूलों में चौराहे पर एक काढ़ा पिलाया करते थे। जी जी, तो व्हाट वाज दैट सर, और क्यों हुआ ऐसा? एक्चुअली क्या है कि आयुर्वेद में जो महामारी आई कोरोना आया, कोरोना हाँ। के दौरान भी हमने जो अभी थोड़ी देर पहले भी अपन बात कर रहे थे जी, मानसिक स्थिति की बात कर रहे थे, एक पैंडेमिक की कंडीशन में पूरे देश में कोरोना फैला हाँ। कोरोना फैलने की दशा में हम कोरोना जब फैला जी तो लोहार आदमी भयभीत था हाँ। एफर्ट डरा हुआ था, बहुत बीमारी से ज्यादा आदमी भय से भयभीत था। उस दौरान में आयुर्वेद ने उसका जो निर्धारण किया जी, आयुर्वेदिक आयुर्वेद की कंडीशंस के हिसाब से उस बीमारी का निर्धारण करके और उसके हिसाब से उस भी का उसमें दी गई गिलोय है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, त्रिकटु चूर्ण है, आयुष क्वाथ एक जो आयुष मंत्रालय द्वारा एक आयुष क्वाथ बनाया गया अच्छा। तो उसके बहुत बेहतरीन सकारात्मक रिजल्ट हमें मिले अच्छा। और हम लोगों ने मैं आपको बताऊं कि गिलोय घनवट्टी के ऊपर रिसर्च आयुष मंत्रालय की, मुझे भी उस रिसर्च करने का सौभाग्य मिला कि टोंक जिले में मैं भी उसमें कोऑर्डिनेटर रहा और यहाँ पे मैंने उस रिसर्च में भाग लिया और उसके बहुत अनएक्सपेक्टेड हमें रिजल्ट मिले। क्या बात, कई ऐसे पेशेंट जो कि मैंने देखा जो हॉस्पिटलाइज थे और वो जिनकी HRCT 13-14 आ रही थी वो लोग भी उसमें अपने परिवार जनों ने उनको खो दिया, लेकिन कई ऐसे पेशेंट जो मेरे संपर्क में थे, कई परिवार 20-25 परिवार जिनकी HRCT 23 के आसपास थी 20 थी, लेकिन वो लोग घर पे रहकर जी उन्होंने प्रॉपर आयुर्वेद से हमने उनको आयुर्वेद दिया, आयुर्वेद के साथ जो भी बेसिक चीजें उन्होंने एलोपैथी का सेवन किया और वो लोग घर पे रहते हुए बिल्कुल ठीक हो गए। क्या ये ऐसा रोग था क्या कि मैन टू मैन स्प्रेड हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैन टू मैन वेरी हो रहा था सर। क्या कारण था? इन्फेक्टेड डिजीज तो एयरबोर्न वगैरह उस चीज से वो उसके जो कारण होते थे उस वजह से वो जिस तरह वायरल डिजीज बिल्कुल, इसलिए अपन ने आइसोलेशन का विशेष ध्यान रखा उस चीज। जी जी, एक प्रश्न और सामने आ रहा है कि जैसा आम जानकारी में इस बात से नहीं जोड़ा जाता है आयुर्वेद को कि वहां सर्जरी भी होती है। जी जी, तो आप ये बताएं कि क्या आयुर्वेद में सर्जरी का भी स्थान है? जी, और है तो किन क्षेत्रों? बिल्कुल बिल्कुल सर, आयुर्वेद जो शल्य क्रिया है जी, आयुर्वेद में जो हम जनरली सर्जरी का पितामह कहते हैं वो सुश्रुत को कहते हैं। अच्छा, आचार्य सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने अपने जो रचना है सुश्रुत संहिता अच्छा जो बताई गई उसमें 150 से ज्यादा शल्य उपक्रमों का और 300 से ज्यादा सर्जरी का वर्णन उसमें किया गया। क्या बात, ये पता नहीं है ना, बिल्कुल पता होना चाहिए। और उस जब पहले के जमाने में जितनी भी सर्जरी होती सारी आयुर्वेद से होती थी, लेकिन कालांतर में जाकर आयुर्वेद में जो सर्जरी था उसको जहाँ जो लोग काम कर रहे थे आयुर्वेद काम करते उन्होंने एक आसुरी कर्म जिसको कहते कि यार ये तो बहुत काट पाट का कर्म है तो आसुरी कर्म है, तो उसको थोड़ा सा एक थोड़ा छोड़ के उसके बाद में
धीरे 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 उसको कम करते गए और जो औसत चिकित्सा है उसको एक प्रधानता दी, तो उसकी वजह से जो हम औसत चिकित्सा तो एक संबल होती गई वो प्राइम फैक्टर बन गया, प्राइम फैक्टर बन गया। और सर्जरी थोड़ा सा धीरे धीरे कालांतर में थोड़ा सा होते थे, जबकि आयुर्वेद में जितनी भी सर्जरी होती है उनका मेथड वही है। सुश्रुत ने जो उस टाइम पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट बताए हैं वो आज भी उनका ही मॉडिफिकेशन करके एलोपैथी में वो सर्जरी की जाती है। सामान्य सर्जरी आयुर्वेद और एलोपैथी में एक ही प्रोसीजर होता है। अच्छा। लेकिन उसके बाद में उसकी जो क्योर करते हैं जी 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 वो उसका ढंग आयुर्वेद में थोड़ा अलग होता है। अच्छा। अलग तरीके से उसको क्योर करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो होता है उसमें थोड़ा आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर करते हैं। वर्तमान समय में आयुर्वेद का एक जो शल्य क्रिया में जो एक प्रमुखता से जो जिंदा है पार्ट वो है चार सूत्र चिकित्सा पद्धति। ये क्या है चार सूत्र चिकित्सा पद्धति? ये एक चार सूत्र होता है, एक थ्रेड होता है। अच्छा। उसको मेडिकेटेड थ्रेड स्नोई है, स्नोई है, हरिद्रा है, अपामार्गा श्यार है, उससे मेडिकेटेड करके उसको तैयार किया जाता है। एक सूत्र को लीलन थ्रेड होता है उसको, ठीक है। और उस थ्रेड के द्वारा गुदा रोगों में जो पाइल्स है, पिस्टूला है और पिसर है, ठीक है, इसमें सर्जरी की जाती है। अच्छा। तो ये सर्जरियां बहुत बेहतरीन सर्जरी होती है। इससे पाइल्स के रोगी जो कि अपन जनरल सर्जरी कराते हैं, जनरल सर्जरी कराने के बाद में ये लोगों दोबारा हो जाते हैं, परेशान होते हैं। मेरे पास यही बहुत सारी जानकारियां ऐसी है, दोबारा भी हो जाते हैं सर। कई बार ऐसा होता है फीकल इम्पोर्टिनेंस, मतलब कि रोगी को पाइल्स हुआ, उसने सर्जरी कराई, उसके बाद पता लगा कि वो प्रेस होने जा रहा है, तो उसका मल रुकी जा रहा है, उसको पता ही नहीं लग रहा, पता ही नहीं लग रहा है। कई बार उसका जो गुदा है वो सिकुड़ जाता है। सही। जबकि आयुर्वेद में जो सर्जरी है ब्लडलेस सर्जरी, मतलब हमने पाइल्स का पेशेंट आया, उसका पाइल्स को लाइगेट चार सूत्र से लाइगेट किया, विद इन थ्री डेज या फोर डेज में पाइल्स अपने आप वहाँ कटिंग और हीलिंग, ये जो चार सूत्रों से की प्रॉपर्टी रहती है, अपने आप कटिंग करता है और साथ में उसमें बांध देते हैं, बांध देते हैं, उसको लाइगेट करते हैं, पाइल्स को बांध देते हैं, उसको बंधन कर देते हैं। दो तरह के होते हैं ना शायद, क्या एक ब्लड वाले? हाँ, ब्लड वाले। एक तो बवासीर होता है, तो इंटरनल पाइल्स होता है। अच्छा। वो जिससे कि खून निकलता है उसमें दर्द नहीं होता, जो बाहर के एक्सटर्नल जो पाइल्स होते हैं जिसको बादी या सूखे मस्से वो बोलते हैं, वो उसमें खून नहीं आता। अच्छा। वो पेनफुल रहते हैं। अच्छा। दूसरा जैसे पिस्टूला है, वर्तमान में WHO भी ये मानता है। अच्छा। कि जो चार सूत्र जो पिस्टूला है उसमें चार सूत्र से बेहतरीन कोई चिकित्सा पद्धति नहीं। अच्छा। चार सूत्र से उसकी चिकित्सा में टाइम जरूर लगता है पर रिकरेंस रेट बहुत कम है। तो इस वजह से आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में चार सूत्र चिकित्सा होती है। राज्य सरकार भी हर जिले में कैंप लगाकर चार सूत्र चिकित्सा करता है, लोगों का जनमानस का बहुत अच्छा। नहीं, एलोपैथी के डॉक्टर्स को भी यही पद्धति अपनाते हुए सुना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग जो है ऐसे जिनका मैंने भी किया है, मैं भी चार सूत्र चिकित्सा के क्षेत्र में काम करता हूँ जी जी, और पूरे राजस्थान में मैं भी विभाग के द्वारा जो कैंप लगते हैं उसमें मैं जाता हूँ। क्या बात। और हजारों लोगों को इससे मैंने ठीक होते मेरे देखा है। ऐसे कई रोगी जो दो दो तीन तीन बार ऑपरेट करा के आ चुके हैं, उन लोगों का जब हमने चार सूत्रों से ऑपरेट किया उसके बाद में आज वो बिल्कुल स्वस्थ है, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। अब जो बहुत सेंसिटिव पार्ट है अपने, जैसे किडनी, मतलब उसके नाम से आदमी भयभीत हो जाता है, जरा सा ये कह दो किसी से कि इसकी किडनी में इन्फेक्शन है या स्टोन है या कोई और बात है, विकार है, या रीनल कॉलिक जैसे आप कहते हैं, बहुत यूरिन के टाइम बहुत दर्द होना है, तो आदमी थोड़ा सा पहली स्टेज पे ये एलोपैथिक की तरफ जाता है कि भाई दर्द बहुत है। अपने आयुर्वेद में क्या स्थिति है इनके लिए? आयुर्वेद में जैसे किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन के लिए आयुर्वेद में कई सारी औषधियां हैं, जिनको औषधि है, क्वाथ है, हम उसको देते हैं पेशेंट को, तो स्टोन आराम से 10 से 12 mm 15 mm तक का स्टोन आराम से यूरिन के थ्रू फ्लैस आउट हो जाता है। अच्छा, किडनी स्टोन का क्या रहता है कि अगर किसी व्यक्ति के एक बार किडनी स्टोन हो गया तो वो वापस रिकरेंस होता रहता है, बनता रहता है। अच्छा, रुकता नहीं है। प्रॉपर्टी, बॉडी की प्रॉपर्टी जैसी होती है वो बनाती रहती है, किडनी स्टोन बनाती रहती है। दूसरा, किडनी स्टोन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो किसका बना हुआ है किडनी स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट का है, कैल्शियम ऑक्सलेट का है, या सिस्टीन का है, वो अलग अलग उसका मटेरियल के ऊपर। अच्छा, 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 कई अलग अलग मटेरियल का रहता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट के मेनली जो बनते हैं उसमें वो डिजोल्व हो जाते हैं, हम आयुर्वेदिक मेडिसिन चालू करते हैं
तो उसे 5 दिन में हम ये मानते हैं कि 5 दिन में एक तो दर्शन उसका जजमेंट कैसे हो कि ये जो स्टोन जो दिखाई दे रहा है, चलिए अपन ने सोनोग्राफी करी या कोई और, ये स्टोन तो दिख गया लेकिन ये किस वजह से बना है, इसका निर्णय कैसे कर पाते? ये सर हमारी आहार विहार जो हम खाने पीने जो हमारे आते हैं, अच्छा, उसकी जो रोगी की हिस्ट्री, रोगी की हिस्ट्री के आधार पे भाई कि इसकी वजह से होता है, उसका पेन वगैरह क्या रही है, उस वजह से तो उसके आधार पर ये बनता है, उसे खाने का किन बातों का अधिक शौक है, बिल्कुल 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 ये चीजें उसके ऊपर कंसिडर रहता है कि आहार विहार सब उसी वजह से, हम जो नित्य आहार विहार सेवन करते हैं तो उसकी वजह से ये चीजें हो जाती है। एलोपैथी में एक बहुत सीवर स्थित आती है जब हम डायलिसिस की तरफ जाते हैं, जी जी जी, वो बहुत महंगा है वो, बिल्कुल। तो पहले कभी किसी का हफ्ते में एक बार होता है, 15 दिन में होता है, किसी का हर दूसरे दिन हो रहा है, बिल्कुल, और बड़ा कॉस्टली है। अपने यहाँ ऐसे मरीज के लिए भी कोई स्थान है आयुर्वेद में? ऐसे मरीज के लिए बड़ी संस्थाओं में इलाज किया जाता है, अच्छा, प्राकृतिक चिकित्सा भी इसमें उपयोग ली जाती है, उसके साथ में आयुर्वेद औषधियां भी दी जाती है, मरीज को इतना समय मिल जाता है कि वो इलाज, अगर आदमी धैर्य रखता है, हाँ। अगर बिना पैथ के कोई पैथी नहीं है सर, हाँ, सबसे बड़ी बात है, सही है, आदमी का सबसे बड़ी बात है कि आप विश्वास करते हो, अगर धैर्य रखते हो तो जितने पेशेंट वहाँ डायलिसिस में जाने के बाद में ठीक हो रहे हैं, उससे ज्यादा पेशेंट यहाँ भी ठीक हो सकते हैं, पर हम ये कि धैर्य के साथ रखे, विश्वास ले कि मैं ठीक हो जाऊंगा, इस भावना के साथ अगर आदमी दवा लेता है, निरंतर दवा का सेवन करता है, तो वो वापस रिकवर हो जाता है। ठीक, तब साहब आप थोड़ा सा आपसे निवेदन है, हो सकता है मेरे प्रश्न करने और मेरी जिज्ञासाओं में कुछ विशेष कारक रह गए हों जिन पर बात होना बहुत जरूरी है, तो आप थोड़ा सा इस तरह समझ भी कर दें इसको कि जैसे आप कहना चाहते हैं आमजन से, बिल्कुल भाई ये पद्धति ये है और इसमें इन बातों का आम जन को जो जानकारी है, बिल्कुल आप अपने उससे स्वविवेक से थोड़ा दें तो अच्छा लगेगा। एक तो अपन पंचकर्मा के बारे में बात कर रहे थे, तो पंचकर्मा कुछ चीजें छूट गई थी अपन, वमन की, अपन ने पांचों कर्म में वमन की बात कर ली थी कि वमन में हम जो वमन करवाते, वमन कर्म पित्त दोष के लिए वमन, विरेचन कफ दोष के लिए विरेचन, और बस्ती चिकित्सा जो कि इसको अर्ध चिकित्सा के रूप में माना है। अच्छा अच्छा, इसमें क्या होता है कि बस्ती चिकित्सा में हम गुदा मार्ग के द्वारा औषधि डालते हैं और अच्छा। उसका पकवा से वात का स्थान माना है और 80 प्रकार के वात रोग आयुर्वेद माने हैं, तो उनके संबंध में जो के लिए बस्ती चिकित्सा करते हैं। इसी तरह हमारे जो ऊर्ध जत्रुगत रोग होते हैं, मतलब सिर के ऊपर के जो रोग है, अच्छा, उसके लिए नस्य कर्म बताया है, जिसे कहते हैं सिरो, बिल्कुल बिल्कुल, दर्द होना इसके लिए, अच्छा, तो उसमें नस्य कर्म, इसमें चूर्ण को, कोई भी अपन स्नेह है, कोई भी कुआत है, उसको नाक के द्वारा हम इसमें उस दिन अपने नाक के द्वारा डालते हैं, अच्छा, और उसके द्वारा फिर पूरे शरीर को क्या बोलते हैं, सिरसोनासा द्वारा बोला है कि जो सिर का द्वार है वो नाक है अपना, उसको छोटे छोटे कर्म करके उस हिसाब से किया जाता है, क्योंकि आज आम व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता। जी, 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 जी। दूसरा आपने मेरे से कहा कि आम आदमी से आयुर्वेद के, हाँ, जो कहना चाहता हूँ मैं आम आदमी से यही कहना चाहता हूँ, जैसे आयुर्वेद में, आयुर्वेद जो चिकित्सा पर मैंने पहले बताया कि आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति नहीं, जीवन जीने की कला है। ठीक है, आज दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार, इन सब चीजों का हम सेवन करें, इन सब चीजों को हम पालन करें, इसी के साथ जैसे हम बीमार हो जाएं तो हम प्राथमिकता पे, हमारी पहली प्राथमिकता पे हम आयुर्वेद को रखें। ठीक, जब हम जनरली देखते हैं हमारे पास जो पेशेंट आता है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लेके दवाया लेके बिल्कुल थक जाता है, तब वो आयुर्वेद की तरफ हार करता है, हार कर जब आता है कि मैं चलो आयुर्वेद की तरफ चलते हैं, आयुर्वेद ले लेते हैं, मैं ठीक हो जाऊंगा, इधर नहीं हो रहा है, इधर नहीं हो रहा तो मैं चलता हूँ आयुर्वेद ले लेता हूँ, जबकि हमें ऐसा नहीं सोच के अगर हम उसको ही लास्ट को हम फर्स्ट कर दें, तो मैं मानता हूँ कि हमें धन समय और शरीर बेहतर परिणाम मिलेगा, तीनों की बर्बादी नहीं होगी और हमें उससे बेहतरीन उसके लाभ मिलेंगे, आयुर्वेद लाभ मिलेंगे। दूसरी बात, आयुर्वेद में जैसे आदमी सोचता है वहां जाने के बाद में तो पैसा लगता चला जाता है आदमी का, तो उसको भी कंसिडर नहीं करता, यहाँ आने के बाद आदमी को लगता है कि आयुर्वेद कॉस्टली है, हा, हा, पर ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में बहुत सस्ते और अच्छे इलाज भी जी वर्तमान में उपलब्ध है। ये यूनानी पैथी से ये ज्यादा आसपास है या वो यूनानी पैथी बिल्कुल अलग है? आयुर्वेद यूनानी सिर्फ इसमें आयुर्वेद में चूर्ण
अवले इसका रूप लेते हैं। अच्छा। वहाँ उनको जो अवले ज्यादा अवले वगैरह खमीरा वगैरह मोड अलग है, वो भी एक नेचुरोपैथी का ये पूरा जो आयुष है आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी सिद्धा और ये सब चीजों का एक जो आयुष है वो सारी पैथियों का एक वो है। इसमें सब में नेचुरल रेमेडीज है, इसको अलग अलग फॉर्म से काम लिया जाता है। और जैसे होम्योपैथी है तो होम्योपैथी में उसकी पोटेंसी का यूज किया जाता है, अलग अलग उसमें उसका उपयोग किया जाता है। और कोई विशेष बात आप अपने दर्शकों को और कुछ कहना चाहें विशेष रूप से? मैं तो दिवाली का मौसम है, किन बातों से आदमी को थोड़ा सा बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए, क्योंकि अब जैसे स्मोक बहुत होगा, पटाखे चलाएंगे बच्चे, एलर्जी वगैरह की बात होती है या दूसरी, तो थोड़ा सा उस संबंध में भी आप प्रकाश डालें। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी जो एलर्जी जितने भी हमने अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है जी, दिवाली आ रही है, स्मोक बढ़ेगा, तो हम जो आयुर्वेद में जो चिकित्सा का जो बताया मैंने पहले कह रहा था कि भाई आयुर्वेद जो सिद्धांत, उसमें पहला सिद्धांत है निदान परिवर्जन। अपन पथ्य की बात करना कर रहे थे तो थोड़ा बीच में रह गया था अपने, तो निदान परिवर्जन जी। तो निदान जो है कि भाई एलर्जिक जो पेशेंट है जिसको धूल धुआं पोलिन ग्रेन है तो उससे हम सबसे पहले हम बचाव करें। दूसरा हम जो आयुर्वेद में रसायन औषधियां है उनका हम सेवन करें, ठीक है, बाहर निकले तो मास्क वगैरह लगा के निकले, पूरे कपड़े पहने, सुबह अगर कहीं बाहर निकलते हैं तो कपड़े फुल आस्तीन वगैरह कपड़े पहन के निकले ताकि शाम को ठंड होने पे हमें अचानक हम बीमार होने का जो खतरा रहता है इंफेक्शन का, तो वो खतरा नहीं रहे। उष्णिक दाहर बिहारों का सेवन करें। अभी जो है त्योहार पे ज्यादा मिलावटी अगर है तो अल्ट्रेशन है तो अल्ट्रेशन से हम बचे अल्ट्रेशन बहुत ज्यादा मिलावट हर चीज में। तो जैसे खाने में अपन लेते हो खाने के बाद मिठाई नेचुरल मिठाई जो आयुर्वेद के हिसाब से अपन मानते हैं, तो जैसे पेठे की मिठाई है तो शुद्धतम मिठाई है, उसमें कोई किस तरह की मिलावट नहीं हो सकती, तो ऐसी मिठाइयों को हम प्रयोग करें या घर पे बनी मिठाइयां हम खाएं इस दौरान में जी, तो ज्यादा बेटर है। और आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद में मैंने जो अभी जो अपने विगत 10 सालों में जो मैंने जिया है और मैंने जो आयुर्वेद चिकित्सा की है मुझे बेहद सकारात्मक परिणाम आयुर्वेद से मिले हैं जी जी, और मैं आयुर्वेद के लिए आगे भी इसी तरह प्रयास करता रहूंगा कि आयुर्वेद आगे बढ़े जी, और आयुर्वेद से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। अगर मेरे लायक कोई भी सेवा हो कभी भी किसी को तो कभी मेरे से कहीं परामर्श कर ले सकते हैं। तो दर्शकों एक सुखद वार्ता जो बहुत ज्यादा बहुआयामी हमारे लिए हितकर भी है और हमें इस बारे में सोचना भी चाहिए, इन्हीं सभी सोच विचार के साथ डॉक्टर साहब और आपका ये निवेदक अशोक सक्सेना जन सरोकार मंच की तरफ से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ तो आपका आभार। नमस्कार सर, मैं भी सभी को एक बार धन्वंतरी जयंती की और आयुर्वेद दिवस की सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पुनः एक बार जन सरोकार मंच और आदरणीय अशोक जी, आदरणीय जोशी जी, जन सरोकार मंच के सभी साथियों को जी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, और आपने मुझे बुलाया उसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद। मेरे संपर्क करना चाहे तो आप मेरे मोबाइल नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर है 9351695182। ये मेरे मोबाइल नंबर है, आप मुझे मोबाइल से भी परामर्श ले सकते हैं। इसके अलावा मैं वर्तमान में राजकीय आयुर्वेद औषधालय साकना में पदस्थापित हूँ, आप मेरे से वहां आकर भी आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य कैसे रहे, दिनचर्या ऋतुचर्या इन सब के बारे में मेरे सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।